Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. टुडे 20 जून 2019 थर्सडे है. सुबह के 8:03 हो रहे हैं. आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफी वोलाटाइल हो सकता है मार्केट में मूव, तो काफी कॉशियस रहना होगा ट्रेड लेते वक्त. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 19 जून, आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. कल हमारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,732 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,641. तो ये लेवल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये कैसे फाइंड आउट किया था, ट्रेस किया था, ये अगर देखना है तो कल का वीडियो आप हमारा रेफर कर सकते हो. उसका लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. तो कल के अकॉर्डिंग ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का ये जो कैंडलस्टिक का डेटा है ये हमें कल का डेटा प्रेजेंट कर रहा है 10 मिनट के चार्ट के हिसाब से. तो कल निफ्टी इंडेक्स हमारा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ और यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज था इसके ऊपर ये सस्टेन किया और फर्स्ट टारगेट भी हमारा इसने अचीव किया और सेकेंड टारगेट 11,771 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. और वहां से एक जो लंबा यहाँ से एक फिर से करेक्शन आया और जो निफ्टी ट्यूसडे के दिन जहां पर था उसी के पास इसने आके ऑलमोस्ट यहाँ पर एक सपोर्ट फेस टेस्ट किया. उससे पहले इसने ब्रेकडाउन लेवल जो लास्ट टाइम बचा था मार्केट आर्स का यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया. तो लास्ट 3 बजे के बाद यहाँ पर कोई इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाता. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल यूएस मार्केट में हल्की से बढ़त देखने को मिली, पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए. यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कुछ भी कम नहीं किया, जो था वैसे ही रखा है. और यूरोपियन बाजार देखें तो वहां पर मिला जुला कारोबार देखने को मिला. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स निक्के 110 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है 36 पॉइंट की और हांगकांग मार्केट 263 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर 78 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 39 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. ये है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट. हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अभी ड्रॉ किया है क्योंकि अगर ये निफ्टी में और भी हमें करेक्शन यहाँ से दिखाई देता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स आ सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है इस लो और इस हाई को पकड़ के. तो अभी फिलहाल ये 50% का ये जो लेवल है 11,605 यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है. तो अगर ये 11,605 अगर ब्रेक करता है तो ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुई है पास्ट में इसको ये फिल कर सकता है. एग्जैक्ट 61.8% का लेवल ये 20 EMA के पास आ रहा है एज पर वीकली चार्ट. ये हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं. तो अभी ये जो निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है ये अभी भी हम करेक्शन है आफ्टर ये 8% का अपसाइड मूव जो इलेक्शन के रिजल्ट के वक्त हमें दिखाई दिया था अराउंड 11,200 से लेकर 12,100 तक. ये जो 8% का मूव था इसका ये करेक्शन है वीकली चार्ट में. इसे अब तक यह करेक्शन है ऐसा हम कह सकते हैं. जब तक यह 20 EMA को ब्रेक नहीं करता और जैसे कि हमने कल यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था क्लोज लेवल्स को पकड़कर लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में, तो ये जब तक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक नहीं होता टूवर्ड साउथ की तरफ तब तक यहाँ पर ये जो फॉल आ रहा है ये करेक्शन है ये ऐसा हम कहकर चल सकते हैं. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स में मजबूत एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है. लेकिन अब इस सपोर्ट लेवल से यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है. ट्रिगर पॉइंट है बजट का दिन 5 जुलाई. अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा स्कीम पैकेज हर एक इंडस्ट्री के लिए लाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑटो या फिर रियलिटी तो यहाँ से एक ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल सकता है अपसाइड मूव के लिए. तो अभी फिलहाल ये करेक्शन है एज पर वीकली चार्ट और 20 EMA एक लास्ट मेजर सपोर्ट है 11,500 के पास जहां पर ट्रेंड लाइन और ये 20 EMA साथ में आ रहे हैं. ठीक है,
यह वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल बाउंस बैक मूव देखने को मिला था, हमने इंट्राडे चार्ट 60 मिनट में बुलिश आरएसआई डाइवर्जन को आइडेंटिफाई किया था, उसके हिसाब से यहाँ पर एक अपसाइड मूव देखने को मिला। ये मंडे का कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है, 150 पॉइंट्स की गिरावट उस दिन देखने को मिली थी। तो अब ये जो पुल बैक आया है ये रिकवरी फेज है, लेकिन ये जो 20 ईएम है ये एक हर्डल यहाँ पर है अराउंड 11,800 पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ऊपर जब तक ये 20 ईएमए का ये जो पिंक लाइन है इसके ऊपर जब तक डिसीजिव मूव नहीं आती तब तक यहाँ से लॉन्ग जाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो अभी ये इस 20 ईएमए और 50 ईएमए एज पर डेली चार्ट इसके बीच में ट्रैप हुआ है। अगर ये लेवल को ब्रेक करता है 11,605 तो ही हमें यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ और ज्यादा मूव गहराती हुई दिखाई दे सकती है, और ऊपर में 11,800 के ऊपर कोई डिसीजिव मूव स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक बुल कैंडल हमें अगर दिखाई देती है तो यहाँ से फिर से अपसाइड मूव हम निफ्टी इंडेक्स में देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ये ट्रैप हो चुका है, हो सकता है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बने बजट तक और उसके बाद में हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ये है डेली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है, अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो यहाँ पर ट्वीजर बॉटम बनाया था अराउंड 11,640 के पास ये अगर आज ब्रेक होता है कंफर्टेबली तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा क्विकली एक फर्स्ट टारगेट होगा 11,624 और सेकेंड टारगेट होगा 11,610, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ता है ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है पिवट पॉइंट का 11,706, उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग हाई बना है छोटा सा जहां से ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ था निफ्टी इंडेक्स, तो इस लेवल के पास ही ये 20 ईएमए का भी ये मूविंग एवरेज आ रहा है। तो अगर ये 20 ईएमए का ये जो मूविंग एवरेज है अभी फिलहाल ये आ रहा है 11,725, इसके ऊपर यानी ऑलमोस्ट 11,727 20 ईएमए के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,758, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,787, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी इंडेक्स के लिए। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।